माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वो अपने मन के बात तो आम जनता के बीच रखते हैं, लेकिन आम जनता के मन के बात वो नहीं सुनते हैं। आम जनता के मन के बात के लिए आज हम आम जनता अपने मन के बात उनके समक्ष रख रहे हैं। मोदी सरकार जी से अनुरोध है कि वो आँख फोड़ो और चश्मा दान करो ये नीति पे चल रहे हैं। जैसे एसटी का मुद्दा फिर कोर्ट में गया, उसके बाद अध्यादेश लाकर वो सहानुभूति बटोरे, और अभी 200 पॉइंट रोस्टर ख़त्म कर 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए, और 13 पॉइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर ख़त्म कर वोट बटोरना चाहते हैं। एसटी ओबीसी को वो चाहते हैं कि घुमरा कर वोट ले, ये नहीं चलेगा। और उनको सोचना चाहिए कि एसटी ओबीसी अब जग चुका है, उनको समझ में आ गया है, ये बोलता नहीं है, करके दिखाता है, 2019 में भी करके दिखाएगा। चूँकि एसटी ओबीसी बोल नहीं पाएगा, वो ऐसे तबके के लोग होते हैं कि अपना काम करते हैं और जीवन यापन करते हैं, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन वो जिस दिन जग जाएगा, रोड पर उतर जाएगा, समझिए भारत नहीं पूरे विश्व में बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। और साथियों, हम ये चाहते हैं कि आरक्षण ऐसा चीज़ है, पहले जिसको ज़रूरत है, जो आईसीयू में भर्ती है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे मोदी साहब समझ नहीं रहे हैं, जो आईसीयू में है उनको नहीं दे रहे हैं, और जो सर्दी खांसी साधारण बीमारी से ग्रसित है उनको आरक्षण दे रहे हैं। जैसे निषाद 22 प्रकार की जातियों को आरक्षण की ज़रूरत है, शौर के किनारे, नदी के किनारे आदि मानव की तरह वो जीवन यापन करते हैं, उनको पहले आरक्षण की ज़रूरत है। हमारे मोदी साहब उनको आरक्षण नहीं देकर गुमराह कर रहे हैं। और जहाँ तक है इनके सरकार में शिक्षक अगर धरना किया उनको पिटवाया जाता है, मध्याह्न भोजन कर्मी धरना किया उनको पिटवा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में यूपी में निषादों पर लाठीचार्ज करवाए, इनका यही अब रह गया है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में और यूपी में, तो राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं? ये राम मंदिर इसलिए नहीं बनाते कि इनका जो मुद्दा है ख़त्म हो जाएगा, फिर किस मुद्दा को लेकर चुनाव में आएंगे? इसलिए राम मंदिर चाहे तो अध्यादेश लाकर बनवा सकते हैं, लेकिन आम जनता को गुमराह करने के लिए, मुद्दा बरकरार रखने के लिए हमारे साहब अयोध्या मंदिर राम नहीं बनवा पा रहे हैं। इसलिए आम जनता सब समझ रही है, और इनका योजना है कि पहले आँख फोड़ दो फिर चश्मा दान करो, ये योजना से हम काफ़ी दुखी है। और इसी के लिए अपने मन के बात को आम जनता के बीच रख रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया और मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करें। अगर उनमें थोड़ा सा भी नैतिकता बची है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के कार्य करें। जय हिंद।